और देखो भक्ति की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता भी इसी में है। सर्वत्र यत सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन, सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन, ज्ञान की पूर्णता भक्ति की पूर्णता इसी में है। आप सबको कथा मालूम है, 56 बार जिन्हें भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ ऐसे श्री नामदेव जी महाराज को गोराई चाचा ने कच्चा भगत कह दिया, कच्चा घड़ा बता दिया। उन्होंने पंढरीनाथ जी से विट्ठल भगवान से शिकायत करी, महाराज गोराई काका ने हमको कच्चा भगत बता दिया। बोले भाई वो तो झूठ नहीं बोलते हैं, उनका किसी से राग द्वेष तो है नहीं, आप भी कच्चा कह रहे हैं। बोले हम क्यों नहीं कहेंगे, वो कह दिया तो उनकी बात झूठी थोड़ी है, आप पक्का बनाइए। बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं है, वो संत सदगुरु का काम है कच्चे को पक्का बनाना, तो उपाय बताइए। बोले उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, कोई एक महापुरुष जो भी पहले पहले महापुरुष मिलें उनके चरणों में पड़ जाना, वही तुमको पक्का बना देंगे। वो गए उत्तर दिशा की ओर, आज भी वो जगह है, शंकर जी का मंदिर है। वहाँ एक अवधूत महात्मा पड़े थे, पागल जैसे बावले से, और विचित्र महात्मा थे। वो अपने दोनों पैर शंकर जी की पिंडी पे रखे थे, सो रहे थे, ऐसे पैर ऊपर चढ़े। आप लोग ऐसा मत करना कथा सुन के, वो तो लीला थी। तो नामदेव जी को बड़ा खराब लगा कि ये कैसा व्यक्ति, एक तो शंकर जी के मंदिर में सो रहा है, फिर शंकर जी के पिंडी पर पैर रखकर सो रहा है, कैसा आदमी है। नामदेव ने करे, एक तो यहाँ सोना गलत है, फिर तुम शंकर जी पर पैर रखे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। उन्होंने नेत्र खोले, भैया तुम कौन हो? अरे हम कौन ऐसे, तुम्हें क्या लेना देना, पैर हटाओ पहले वहाँ से और कहीं जाके सो। वो कैसे समझें कि यही वो महापुरुष हैं? पर वो महापुरुष तो परम सिद्ध थे, भगवत प्राप्त संत थे। वो तो समझ गए भगवान ने इन्हीं को मेरे पास भेजा, इसलिए तो नाटक करके वो पड़े थे। उन्होंने कहा भैया मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, हमें तो पता ही नहीं अपनी भूल का, जहाँ शिव जी न हो वहाँ मेरे पैर रख दो, जहाँ शिव जी न हो वहाँ मेरे पैर रख दो। उन्होंने पैर उठाकर दूसरी तरफ की, वहाँ भी पिंडी प्रकट, दूसरी तीसरी तरफ वहाँ भी पिंडी प्रकट, जहाँ जहाँ पैर घुमा में वहाँ शिवलिंग प्रकट। समझ गए कि ये पागल नहीं है तो कोई सिद्ध पुरुष हैं, चरणों में पड़े। कहा भगवान आपका शुभ परिचय। बोले मुझे लोग बिसोवा भक्त कहते हैं, बिसोवा। ये संत ज्ञानेश्वर जी के अनुगत थे, तब सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा देखो नामदेव जी, आप भगवान के बहुत लाडले भक्त हो, बस आपकी भक्ति में कचाई ये है कि आप सब में भगवान का अनुभव नहीं करते। आप सब में अपने आराध्य पंढरीनाथ जी को देखने लग जाओ तो तुम्हारी भक्ति परिपक्व, और तब से आपने प्रतिज्ञा कर ली कि हम सभी पदार्थों में आप भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए नाभाजी ने कहा नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की, जैसी प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ ऐसे ही नामदेव जी की कलिकाल में प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ। आग की लपटों में भगवान को देखा, प्रेत में भगवान को देखा, कुत्ते में भगवान को देखा, सर्वत्र भगवान को देखा। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे कपड़े में धागे ही धागे होते हैं आड़े तिरछे, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। पूरी तरह राग द्वेष से रहित, पाप से रहित यदि कोई होना चाहता है तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करना आरंभ कर दे। बहुत प्यारा श्लोक है, प्रहलाद जी कह रहे हैं आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः, परमात्मा की विद्यमानता का कभी अभाव नहीं है,
वो सदा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से विराजमान हैं और उनकी सत्ता स्वतः सिद्ध है, उसको किसी के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक जितनी भी चीजें हैं सब पंचभूतों से बनी हुई हैं, उन पंचभूतों में भी सूक्ष्म रूप से भगवान विराजमान है, उन पंचभूतों के रूप में भी भगवान विराजमान है और उन सबके अंतर्यामी के रूप में भी भगवान विराजमान है। देखो, वो भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य की खान है और संपूर्ण माधुर्य की खान है। संपूर्ण ऐश्वर्य भी भगवान में है, संपूर्ण माधुर्य भी भगवान में है। वे अंतर्यामी हैं, सबके दृष्टा हैं और दृष्टा ही नहीं, इस जगत के रूप में भी वे ही व्यक्त हैं, वे ही परिणित हैं, ब्रह्मात्मक जगत ही है पूरा। इसलिए हे मित्रों, माया पर दृष्टि होने के कारण तुम्हें सर्वगत सर्वरूप परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। वो माया का पर्दा जैसे ही हट जाएगा तो तुमको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। Oh,